Assalamualaikum everyone, this is Raz and you're watching RJ Planet. अच्छा आज की वीडियो हम जरा एक आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक सिटी का इशू होता है और यू नो आपको कभी कभी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है कि आपके UPS और बैकअप जो आपने बनाए होते हैं उनका मसला हो जाता है एंड ऑफ कोर्स वो भी जवाब दे जाते हैं। तो आजकल क्या चल रहा है कि इंटरनेट आपको पता है कि वो तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपको इंटरनेट का बैकअप हर वक्त चाहिए होता है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आजकल स्पेशली जो स्पेसिफिकली जो है वो मॉडम्स के लिए जो है ना वाईफाई मॉडम्स के लिए उनके लिए बैकअप्स लोग तैयार करते हैं। उसके लिए ब्रांडेड बैटरीज आती हैं जो कि मॉडम के साथ लगा के आप और मज़ीद आपके पास एक लेवरेज मिल जाता है कि आप 2-4-5 घंटे इवन कि 8-8 घंटे का बैकअप भी होता है क्योंकि 9 वोल्ट्स और 12 वोल्ट्स के जो मॉडम हमारे होते हैं वो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। तो पावर बैंक जैसे होते हैं तो उसके हिसाब से आप जो है वो एक पावर बैंक उसको लगा के और उसको एक्सटेंड उसकी लाइफ और भी कर सकते हैं। उसमें ये कि एक होता है कि देसी तरीका मार्केट में होता है आप एक बैटरी ले लें और उसको फिर एक सर्किट उसके साथ लगा लें जो कि फिर जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी वो एक्सटेंड करती रहेगी। ड्राई बैटरीज मोस्टली इसमें यूज़ होती हैं या फिर जो सेल्स होते हैं रिचार्जेबल। तो ये आपको अगर देसी तरीका आप लें एक बैटरी और उसके साथ उसके कनेक्शन दें तो 1500 का ही आपका बन जाता है। इस तरह अगर ब्रांडेड लें इसमें एक आता है जो प्रॉपरली बना हुआ आता है उसके अंदर सेल होते हैं और उसके अंदर 4-5 सेल होते हैं। जितने ज़्यादा सेल हो उसके हिसाब से फिर उसका बैकअप जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा। तो मुझे भी इसी चीज़ की तलाश थी और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो ब्रांडेड थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 5-6 हज़ार 8 हज़ार तक जा रहे होते हैं। नो डाउट उसकी जो उसके अंदर मटीरियल यूज़ होता है और ऑफकोर्स उससे बैटरी का जो बैकअप होता है बहुत अच्छा होता है। तो मैंने मार्केट में ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छा ये मिला और इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें बैटरी नहीं है, ड्राई सेल्स जो होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं वो यूज़ होते हैं। इनफैक्ट ये कुछ अर्से बाद साल 2 साल चलने के बाद भी अगर इसमें बैटरी बैकअप कम होना शुरू हो जाए तो इसको आप इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं और इसी तरह वो इंटैक्ट करके दोबारा फिक्स करके इसकी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ब्रांड न्यू हो जाता है और उसके बाद आप फिर जा सकते हैं। इस पर कंपनी क्लेम करती है कि 6 आवर्स का बैकअप होता है लेकिन आप इसको 2 आवर्स मैक्सिमम 3 आवर्स तक लेके जा सकते हैं। इसमें ये होता है कि ये आप ऑलरेडी अपने मॉडम के साथ लगाते हैं, मॉडम को फिर आप चार्ज पे लगा देते हैं, इधर उसका स्विच लगता है नीचे और उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये चार्ज रहता है और इसको ऑटोमेटिकली इसके अंदर सर्किट होता है जो कि ओवर चार्जिंग को रोकता है। लेकिन स्टिल आई डोंट काउंट ऑन इट बिकॉज ओवर चार्जिंग फिर भी जो है इतने बड़े महंगे मोबाइल हमारे आगे हैं और उसमें भी ऑटो शट जो है इस तरह अच्छा काम नहीं करता तो आप उस पर नहीं रह सकते रिलायबल। बस ये कि ये इनकी बैटरी जो होती हैं वो चूँकि चार्ज रहती हैं वर्क और उन एरियाज़ के लिए अच्छे जहाँ बहुत वाफे मकदार में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है चार्ज होती है। लेकिन प्लेसेस लाइक वेरिया टाउन या वो जो जहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जाती उसमें ये कि फिर ये थोड़ा सा चार्ज हो के बस फिर चार्ज इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी और कोई एज सच ऑटो शट होता है इसमें लेकिन इतना काम नहीं करता, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। तो रीज़न ऑफ दिस ऑल इज कि आपकी बैटरी की जो लाइफ होती है ना ओवर चार्ज से वो कम होती रहती है। तो आप इसको काउंट 1-8 साल कर सकते हैं उसके बाद फिर आपको चेंज करा सकते हैं इस पर, इसके अंदर दोबारा थोड़ा सा खर्चा करके इसके अंदर अच्छे से लगा के दोबारा इसको इन्हेंस कर सकते हैं इसकी जो लाइफ है। ये मार्केट में 1500 से 2000 रुपीस का मिलता है और ये आपको अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। तो जो लोग भी हैं इसको ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वेरिएशन आती हैं, उसके अंदर बैटरीज भी यूज़ होती हैं, उसके अंदर सेल्स भी यूज़ होते हैं। बैटरी वाला ये ड्राई बैटरी होती है और उसकी भी लाइफ ऐसी होती है और मतलब आप बजाय इसके 6-8-10 हज़ार रुपये का खर्चा करें तो दिस इज़ अ गुड बैकअप फॉर योर 2-3 आवर्स प्रोवाइड करता है बैकअप, तो आपके लिए अच्छा मुफीद साबित होता है। तो अगर आपके भी जहन में कोई और इस तरह का अच्छा बैकअप सोल्यूशन है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन कमेंट मी और मुझे बता सकते हैं उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।